कैमूर जिले के रामगढ़ के देवहलिया पहुंचे तेजस्वी यादव, माली नेता दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। हजारों की संख्या में ग्रामीण इन नेताओं को सुनने के लिए आए थे, जहां बक्सर संसदीय क्षेत्र के रामगढ़ विधानसभा के हाई स्कूल देवहलिया के मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। भीड़ नेताओं को देखने के लिए इतना व्याकुल थी कि बैरिकेडिंग तोड़कर मंच तक पहुंच गई। वहीं इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी ने ठगा है देश को, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है, रामगढ़ के लिए कोई काम मोदी जी ने नहीं किया। कि मोदी जी ने कौन सा सरकार किया रामगढ़ के लिए। बड़ी झूठ बोल रहा हुआ, बड़ी झूठ बोल रहा हुआ, ना बड़ी जाय वाला हुआ, लेकिन कोई काम नहीं किया। सानी भैया, तेजस्वी ने आगे कहा कि हम सभी को एकजुट रहना है, इधर उधर नहीं बिखरना, तेजस्वी के हाथ को मजबूत करना है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस तरह से आप मुझे वोट दीजिए मैं आपको नौकरी दूंगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा भगाओ देश बचाओ का नारा भी दिया। इस दौरान तेजस्वी ने यह भी कहा कि मोदी जी ने 10 साल में क्या किया वो बात नहीं कर रहे हैं, 5 साल और जीतेंगे तो क्या करेंगे उस पर बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे, हिसाब मांगने पर बस सभी को जेल भेजेंगे। आपको डर लग गया कि देश भर में नौकरी का एजेंडा बन गया, आप जेल भेजने का डर दिखा रहे हैं, जो दूसरी पार्टी से भागकर भाजपा में गया उसको आप हरिश्चंद्र बना दे रहे हो, मंत्री बना दे रहे हो, जो नहीं साथ जा रहा है उसको जेल भेज रहे हो, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं, जांच एजेंसी को बर्बाद कर रहे हैं। कैमूर से अजीत कुमार की रिपोर्ट।